गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट पेज नंबर 209 पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अ हाउस हैज डिफरेंट पार्ट्स। दीज आर लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम। लेट अस रीड टू नो अबाउट देम। एक घर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम और बाथरूम। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लिविंग रूम, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज लिविंग रूम। द लिविंग रूम इज अ रूम वेयर वी सीट विथ अवर फ्रेंड्स एंड गेट्स एंड टॉक टू देम व्हेन दे विजिट अस। वी मे ऑल्सो रीड बुक्स, watch TV and play games in this room. We keep things such as sofa, bookshelf and chairs in this room. Living room एक ऐसा room होता है स्टूडेंट जहां पर हम अपने guest means मेहमान और friends के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं जब वो हमसे मिलने आते हैं। हम इस room में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बुक पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। हम इस रूम में सोफा, बुक सेल्फ, चेयर रख सकते हैं। किचन, किचन इज द रूम वेयर वी कुक अवर मील्स। किचन एक ऐसा रूम है जहां पर हम अपना खाना बनाते हैं। वी फाइंड द सिंक, गैस स्टोव एंड यूटेंसिल हियर। We also store food item in the kitchen. हमें यहाँ सिंक मिल सकता है, गैस स्टोव होता है और बर्तन होते हैं। यहाँ पर हम अपनी फूड आइटम्स स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डाइनिंग रूम, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज डाइनिंग रूम। दिस इज अ रूम इन विच वी ईट अवर मील्स। We have a dining table and chairs to sit on and eat our food in this room. Dining room एक ऐसा room होता है जहां पर हम बैठकर अपना meals means अपना खाना खाते हैं। हमारे पास इस room में dining table, chairs होती है जिसमें हम बैठकर अपना फूड ईट करते हैं। बेडरूम, बेडरूम इज अ रूम वेयर वी रेस्ट एंड स्लीप। वी हैव अ बेड, अ नाइट लैम्प, टेबल एंड कबर्ड फॉर क्लॉथ्स इन द बेडरूम। बेडरूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और सोते हैं। इस रूम में हमारे पास एक बेड होता है, नाइट लैंप होती है, टेबल होता है, कबर्ड होता है जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं। बाथरूम, द बाथरूम इज द रूम वेयर वी टेक बाथ एंड ब्रश अवर टीथ। वी कीप थिंग्स सच एज सोफा, सोप्स, बकेट्स, मग्स एंड टॉवल्स हियर। वी शुड कीप द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई। बाथरूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर हम बात करते हैं मीन्स नहाते हैं, ब्रश अवर टीथ, हमारे दांतों को ब्रश करते हैं और उसमें हम रख सकते हैं सोप्स मीन्स साबुन, बकेट्स मीन्स बाल्टी, मग मीन्स मग्गा, टॉवेल। हमें हमारा बाथरूम कैसा रखना चाहिए? क्लीन एंड ड्राई। टेकिंग केयर ऑफ अवर हाउस, वी शुड ऑलवेज कीप अवर हाउस क्लीन। हमें हमारा जो हाउस होता है वो कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। लिविंग इन अ क्लीन हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज। डिसीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बीमारियां। क्लीन हाउस में रहने से हमें जो डिसीज
या बीमारी मींस क्या होता है, डिसीज मींस क्या होता है, बीमारियों, बीमारियों से बचाता है। पिक्चर स्टडी, लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हाउस शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में हमें कौन सा हाउस दिया हुआ है? लुक एट दिस पिक्चर। यस स्टूडेंट, पक्का हाउस। राइट द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। ये किन किन चीजों से बना हो सकता है? ब्रिक्स मींस ईट, सीमेंट एंड वुड। वुड मींस लकड़ी। चेक पॉइंट, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट रूम वेयर वी कुक अवर फूड। हमें इसमें आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आंसर देना है। ऐसा रूम जहां पर हम कुक करते हैं, हमारे भोजन को बनाते हैं, कौन सा रूम होता है वो? किचन। रूम वेयर वी रेस्ट एंड स्लीप। कौन से रूम में हम रेस्ट और स्लीप करते हैं? बेडरूम। द रूम वेयर वी टॉक विथ अवर गेट्स। गेट्स के साथ हम कहाँ पर बैठकर बातें करते हैं? लिविंग रूम में। वी कीप अ बेड हियर। कहाँ पर बेड रखा होता है? बेडरूम में। रूम फॉर ईटिंग फूड। हम कौन से रूम में खाना खाते हैं? डाइनिंग रूम। ओके स्टूडेंट, डू इट एंड लर्न इट।